नमस्कार, आप इंडिया के अंदर रहते हैं? यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपने एमयू का नाम ना सुना हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज देश के हर यूथ के चेहरे पर है एमयू जाना है। आफ्टर द 12th क्लास हर कोई स्टूडेंट यही चाहता है कि मेरे को भैया एमयू जाना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना है। स्पेशली बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो 9th क्लास के बाद में जो स्टूडेंट है उनको पता लगने लग जाता है एमयू। आखिरकार एमयू ने कोई भी ब्रांडिंग नहीं की है, उसने कोई भी पोस्टर नहीं लगाई, उसने कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, उसने किसी को भी कोई कॉल नहीं किया, किसी ने कोई ईमेल भी नहीं डालता हो और किसी को कोई मैसेजेस भी नहीं डालता, फिर भी इंडिया के हर एक यूथ को बताया एमयू। आखिरकार ये एमयू ब्रांड बना कैसे ये हर यूथ के चेहरे पे छा गया, देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एमयू की आज एक साख है। इसके कुछ आज अपन ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे, आखिरकार कैसे इतना पॉपुलर हो गया और क्यों ये पॉपुलर हो गया, और जो अदर कॉलेजेज है वो ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि वो भी जो ऐसे कॉलेजों से जैसे प्रोफेशनली हो जाए, राइट। चलिए देखते हैं दोस्तों, एमयू का सबसे पहला था यूईएपी प्रोसेस, यूनिक एक्सीलेंस एडमिशन प्रोसेस। एमयू का ये मानना था कि यार जो बच्चा 3 नंबर लेके आ रहा है 10 में से, अगर उसको हम 9 नंबर तक पहुंचाएंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ही ज्यादा लगेगी। अगर हम ऐसा करें जिसके 7 नंबर या 8 नंबर आ रहे हैं उसको 10 नंबर तक पहुंचाना बहुत आसान है, तो उन्होंने वही अपनाया, टेस्ट प्रोसेस लागू किया, जिसके जितने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसको लेंगे हम। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन इंडिया के अंदर यह देखा जाता है, चाहे आप किसी भी बड़े नेता के बेटे हो, चाहे आप प्रधानमंत्री के बेटे हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, किसी भी पॉलिटिशियन, आप रॉकी भाई, किसी के भी बेटे क्यों ना हो, आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, वो है यूनिक एडमिशन प्रोसेस। अगर आप टेस्ट के अंदर नंबर लेके आ रहे हैं देन आपको एडमिशन मिलेगा, अगर नहीं ला रहे हैं तो आपको कोई भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो। तो ये इसकी एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखा जाता है इंडिया के अंदर। उसके बाद में इनकी हिस्ट्री की अगर कुछ बात की जाए, 1875 के अंदर सैयद अहमद सर ने इसको स्टार्ट किया था कि विजन के साथ में कि हिंदू हो या मुस्लिम वो एक अपना करियर डेवलप कर सके इन द इंडिया बेसिकली। उस टाइम पे जो है कॉलेजेस बहुत कम हुआ करते थे, अगर हुआ भी करते थे तो वो बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए थे, नॉर्मल लोगों को, मुसलमानों को वहां पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा था। इस कारण 1875 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। हालांकि अभी जो है ये अलीगढ़ शहर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक कॉलेज देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर कुछ बात की जाए कल्चरल इवेंट्स की, तो यहाँ पे बहुत सारी जो है कल्चरल कम्युनिटीज कंडक्ट की जाती है। जैसा कि यहाँ पे जो एडमिशन एक्सीलेंस प्रोसेस किया गया, जिससे जो देश के हर कोने कोने से जो बच्चे हैं, टॉप जो बच्चे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम दे के आ रहे हैं, वो इस कॉलेज तक आके पहुंचते हैं। बहुत बड़ी बड़ी नई नई कम्युनिटीज बनती है, कोई किसी देश से आ रहा है, कोई किसी राष्ट्र से आ रहा है, कोई किसी राज्य से आ रहा है, कोई कौन से शहर से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, हर देश से लगातार बच्चे एंट्रेंस दे के आते हैं, हॉस्टल में रुकते हैं, कॉलेज में रुकते हैं, बहुत सारी नई नई कम्युनिटीज बनती है। कल्चरल इवेंट्स की अगर बात की जाए, यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करती है, वहां पे जो है बहुत सारे डांस, सिंगिंग, थिएटर, एक्टिंग, म्यूजियम, टेक्नीशियन एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट को देखने को मिलती है। स्टूडेंट का एक यहाँ पे ना बहुत बड़ा यूएसपी है, वो है एकेडमिक एक्सीलेंस। हालांकि जो लल्लू लाल कॉलेजेज होते हैं, जो चमनी चोर जो कॉलेजेज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो प्रोफेसर लेके आते हैं वो जो है बीटेक किसी ने किया, हाँ भैया तूने बीटेक किया, ठीक है आ जा 10,000 रुपए पर मंथ दूंगा, मेरे बच्चों को पढ़ा दे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इन लोगों जो बूढ़े प्रोफेसर लेके आते हैं, ये ऐसा प्रोफेसर लेके आएंगे कि तेरे बाल सफेद हो गए हैं, तू बूढ़ा हो चुका है, तेरी उम्र 40 साल हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू आ जा हमारे यहाँ पे पढ़ा दे, ठीक है। ये ऐसा प्रोफेसर लेके आते हैं, उसको प्रोफेसर को खुद को इतनी एग्जाम देनी पड़ती है, इतने टेस्ट लिखवाते हैं उसे, इतना ज्यादा इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू राउंड 1, इंटरव्यू राउंड 2, इंटरव्यू राउंड 3, इंटरव्यू राउंड 4, पीएचडी करते करते बेचारा प्रोफेसर बूढ़ा हो जाता है, तब जाके जो है वो ऐसे कॉलेजों के अंदर आके प्रोफेसर बनता है। ऐसे जाके जो है प्रोफेसर को सिलेक्शन करते हैं ताकि जो है स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है, प्रोफेसर का बहुत सारा अनुभव होता है बहुत सारे सालों का,
तो स्टूडेंट को जो है काफी ज्यादा फायदा मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी खावत है, कहीं जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, प्रोफेसर जो है ना वो कल्चरल इवेंट भूल जाते हैं, अपनी छुट्टियां भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रोफेसर है वो कभी भी स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं भूलते भैया। 75% उसकी अटेंडेंस नहीं है, नहीं नहीं तेरे को 75% अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, इतने इतना स्ट्रिक्ट है, आप मान सकते हो प्रोफेसर का यहाँ पे मामला। इंटर्नशिप वगैरह स्टूडेंट को बहुत अच्छी मिल जाती है, क्लासरूम्स की अगर बात की जाए लगातार इनको फंडिंग मिलती है, तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर जल्द इनको डेवलप किया जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के कारण गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी अच्छा इनको सपोर्ट मिलता है, कल्चरल डाइवर्सिटी काफी अच्छी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए स्टूडेंट की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अगर एक साथ सारे के सारे स्टूडेंट धरने पर बैठ जाए तो ये जो पुलिस की भी धज्जियां उड़ा देते हैं, ऐसा भी बहुत बार देखा गया ऐसे कॉलेजों के अंदर। इसके साथ ही यहाँ के जो प्रोफेसर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, एंड जस्ट लाइक रिसर्च के अंदर भी टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। आज अगर एमयू की बात की जाए तो एमयू के स्टूडेंट चाहे एक्टी में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज हो, काफी अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही अगर एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो देश के अंदर एमयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम टेस्ट होता है जिसको CUET बोला जाता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर हर साल 15 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। आप भी अगर जाना चाहते हैं आप भी CUET का टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही इस कॉलेज को ऑलमोस्ट 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट CUET के अंदर सेलेक्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर सीटों की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 30,000+ सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो बहुत कम रहता है, 1% से भी कम सिलेक्शन रेशियो रहता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ है, यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही स्टूडेंट डाइवर्सिटी सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा दिखने को मिलता है, स्टूडेंट जो एकदम खिलखिलाते हुए रहते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज काफी अच्छी मिलती है, स्टूडेंट प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप भी इसकी गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे रहे हैं collegejankar.com। धन्यवाद।